क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क् प्लस टू एक्स प्लस फोर जी आ, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग अभी हमने पहले बात की थी कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं लेकिन आपको याद होगा हमने कहा था कि जब न्यूमिनेटर में कांस्टेंट हो तो तब हम इसको स्क्वायर कंप्लीट की तरफ ले जाएंगे अगर वेरिएबल है तो पहले हमने कोशिश करनी है कि इसका डेरिवेटिव तो नहीं बन सकता तो एक्स का डेरिवेटिव होता है टू एक्स एक्स है टू नहीं है तो हम टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका टू एक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो हम अब स्टार्ट करते हैं पहले इसको लेकर एक्स ओवर एक्स स्क्स टू एक्स प्लस फोर जी पहले हमने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अब टू एक्स तो बन गया लेकिन डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव एक्स स्केर का टू एक्स टू एक्स का टू भी बन रहा है प्लस टू और वो प्लस टू अवेलेबल नहीं है तो अब हम प्लस टू और माइनस टू करके इसका डेरिवेटिव कंप्लीट कर सकते हैं तो इस तरह आप देखिए टू एक्स प्लस टू माइनस टू यानी टू एड भी कर दिया टू सब्रैक्ट भी कर दिया तो अब आपके पास पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन गया टू एक्स प्लस टू लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज आ गई माइनस टू इस तरह हमारे पास सिर्फ यह वाला हिस्सा एज अ डेरिवेटिव मौजूद है डिनोमिनेटर का तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अलग अलग इन दोनों चीजों से डिवाइड किया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया 2x एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर प्लस टू एक्स प्लस एक्स के और माइनस टू डिवाइडेड बाई फोर प्लस टू एक्स प्लस एक्स के वन ओवर टू टू एक्स प्लस टू ये सेपरेट कर लिया यहां पर टू uh, कांस्टेंट है दैट विल बिकम वन डीएक्स अब जो फर्स्ट पोर्शन है हमारा ये हम पहली बात कर चुके हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है और जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बने तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑफ डिनोमिनेटर तो ये आपके पास लॉग ऑफ एक्स स्क् प्लस टू एक्स प्लस फोर ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई अब अगर हम सेकेंड पोर्शन की तरफ आए ये टू टू से कैंसिल हुआ अब देखिए आपके ऊपर आपके पास कॉन्स्टेंट यानी वन मौजूद है तो अब हम ये बात पहले भी करके आए हैं कि अगर कांस्टेंट ऊपर हो और डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो हम इसको स्केयर कंप्लीट की तरफ ले जाएंगे तो अब देखिए ये एक्स के प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस वन किया साथ प्लस फोर एज इट इज रहा तो इस तरह आपके पास ये स्क्वायर बन जाएगा एक्स प्लस वन का जी, 2X, की कमी थी वन ऐड और वन सब्ट किया जिससे ये होल स्क्वायर बन गया बाकी फोर एज इट इज रहा हम इसको यूं भी कर सकते थे कि थ्री अलग कर देते वन अलग कर देते यानी फोर को हम थ्री प्लस वन लिख देते लेकिन बहरहाल हमने इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जैसे आम नॉर्मली हम करते हैं स्क्वायर कंप्लीट किया वन की कमी थी वन ऐड और वन सब्ट किया फोर एज इट इज रहा तो अब आपके पास ये लेफ्ट वाला पोर्शन तो बिल्कुल एज इट इज चल रहा है इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है राइट साइड पर वन ओवर दिस विल बिकम एक्स प्लस वन होल स्केर और फोर माइनस वन थ्री अब आपके पास यहां पर वेरिएबल स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट स्केयर का यह फॉर्मूला बन रहा है स्केयर नहीं है हम इस थ्री को लिख सकते हैं स्केयर रूट थ्री का होल स्केयर लेफ्ट पोर्शन एज इट इज रहा इस थ्री को हमने लिख दिया स्केयर रूट थ्री का होल स्केयर बिकॉज फॉर्मूला अवेलेबल है 1 ओवर प्लस x2 a2 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x तो ये स्क्वायर नहीं था हमने पहले इसको स्क्वायर में शिफ्ट किया तो अब आपके पास ये लेफ्ट वाला अगेन एज इट इज आया पोर्शन दैट इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a तो 3 ये 1 ओवर √3 tan इनवर्स x ओवर a दैट विल बिकम द इंटीग्रल ऑफ द गिवन क्वेश्चन तो अब हमने इसमें एक बाहिर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन आ, इसमें दो क्वेश्चन मिलाकर उसने बना दिया था कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया लेकिन न्यूमिनेटर में साथ वेरिएबल भी लगा दिया अब हम पहले स्क्वेयर कंप्लीट नहीं करवाएंगे अगर डिनोमिनेटर का ऊपर स्केयर सॉरी कॉन्स्टेंट ऊपर हो तो हम स्केयर कंप्लीट करने जाएंगे अगर वेरिएबल है तो पहले डेरिवेटिव बनाएंगे तो हमने पहले डेरिवेटिव कंस्ट्रक्ट किया टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर भी हमें नजर आया टू एड हो रहा हो तो डेरिवेटिव कंप्लीट होगा तो हमने प्लस टू और माइनस टू किया इस तरह आपके पास कुछ पोर्शन डेरिवेटिव बना लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस टू आ गया उस माइनस टू से अलग डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो दो इंटेग्रल बन गए आपके पास दो एक्सप्रेशन बन गए जिनको इंटीग्रेट करना था आपने एक डेरिवेटिव बना रहा था एक में कॉन्स्टेंट ऊपर आ गया जिसमें डेरिवेटिव बन रहा था वो लॉग उसका फॉर्मूला अवेलेबल है और जब कांस्टेंट ऊपर हो तो हमने पहले ही बात की हुई है कि स्क्वायर कंप्लीट करेंगे स्क्वायर कंप्लीट किया इस तरह आपके पास ये एक्स स्क् प्लस ए स्क्र बना जो कि फॉर्मूला है टेन इनवर्स का तो ये वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए बनाकर हमने इसका फॉर्मूला बनाया और इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर एटीन ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन एक्स है ऊपर वेरिएबल एक्स फोर प्लस टू एक्स प्लस फाइव अब चेंज इसमें ये आई कि इसमें एक्स की पावर स्क्र नहीं बल्कि फोर कर दी अब हम यहां पर पहला काम तो ये करते हैं कि इसको स्केयर बना लेते हैं यानी एक्स फोर को लिख सकते हैं एक्स स्क्र का स्केयर टू एक्स स्केयर वैसे ही रहा प्लस फाइव अब अगर हम एक्स को पुट कर दें जी एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी लिया तो टू एक्स डी एक्स आ गया यह हम इसलिए पुट कर गए कि यहां पर एक्स स्क्र को अगर हमने पुट किया तो यह क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा तो ये एक्स ओवर एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्स फाइव नॉविल बिकम जी एक्स डीएक्स फ्रॉम हेयर एक्स डीएक्स की वैल्यू बन जाएगी डी टी ओवर टू ये ओवर टू हमने बाहर लिख लिया और डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन ये को हमने टी कहा हुआ है तो ये टी स्क्र बना प्लस टू ये भी टी प्लस फाइव तो इस तरह आपके पास ये जो एक्सप्रेशन था वो टी में चेंज हो गया सारे का सारा और बन गया वन ओवर टी स्क्र प्लस टू टी प्लस फाइव दैट विल बिकम द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो ऊपर कांस्टेंट हो तो हमेशा स्क्यर कंप्लीट करना होता है हमने तो अब आप इसका स्क्यर कंप्लीट कर सकते हैं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन लिहाजा ये बन गया अब वन ओवर टी प्लस वन होल स्केर प्लस फोर एक्स स्केयर प्लस ए स्केर यानी वन ओवर एक्स स्केर प्लस ए स्केयर का फॉर्मूला बन सकता है अगर कांस्टेंट का भी स्केयर नजर आ रहा हो हम इसको लिख सकते हैं टी प्लस वन होल स्केर प्लस टू स्केर तो ये भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया दैट विल बिकम वन ओवर टू तो कॉन्स्टेंट एज इट इज बाहर पड़ा हुआ है इसमें अब इस पोर्शन का फॉर्मूला बनेगा वन ओवर ए अगेन ए इज टू तो यह वन ओवर टू टेन इन वर्स एक्स ओवर ए एक्स इज टी प्लस वन ए इज टू तो ये आपके पास इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी वन ओवर फोर टेन इनवर्स एक्सकेर टी की वैल्यू पुट कर दी विच वॉज एक्सकेयर तो टी की जगह एक्सकेयर आया प्लस वन ओवर टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट विल बिकम द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन पहले हमने इसमें x4 को टर्न किया स्केर में और वो ही पुट कर दिया ताकि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना स्केयर कंप्लीट किया और आगे ये फॉर्मूला बन गया उसका टेन इनवर्स और लास्ट में हमने फिर टी की वैल्यू पुट कर दी विच वॉज स्केयर तो इस तरह आपके पास इसकी इंटीग्रेशन हो गई